तो वेल गाइस, किसी भी आर्टिस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है उनके डबिंग सेशंस और उनके रिकॉर्डिंग सेशंस, चाहे वो उनके खुद के होम स्टूडियो में डबिंग सेशंस चल रहे हो या फिर किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में डबिंग सेशंस चल रहे हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कुछ सिंपल बट पावरफुल टेक्निक्स एंड टिप्स जो कि आपको हेल्प करेगी आपको बेस्ट डबिंग सेशंस अचीव करने में। सब बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। तो यस गाइस, एक पुरानी कहावत है, फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल, जो कि एप्लीकेबल होती है हमारे डबिंग सेशन में भी। आई एम श्योर कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट काफ़ी मेहनत से अपना सॉन्ग रेडी करते हैं, बट उस सॉन्ग के चलने और ना चलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है उनकी डबिंग क्वालिटी। और जब भी आप डबिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपके अपने होम स्टूडियो में कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रोफेशनल स्टूडियो को हायर कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रॉपर रेस्ट देना है, अपने आप को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करना है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं अपने वोकल कोर्ड्स की, उनको रेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से हमारी मसल्स होती है, हमारी बॉडी की मसल्स होती है, उसी तरह से जब भी आप कोई सॉन्ग डब करने जाते हैं तो हमारी जो वोकल कोर्ड्स है उनको रेस्ट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने होम स्टूडियो में डब कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पूरे दिन में सबसे शांत आपको टाइम मिलता है, जो सबसे क्वाइट टाइम आपको मिलता है, वो टाइम पे ही आपको डबिंग करनी है। सो दैट की एम्बियंस नॉइज जो होती है, नॉर्मली जो हम फेस करते हैं ट्रैफिक का शोर, आसपास का शोर, वो सारा शोर हम एलिमिनेट कर सके। और रात के टाइम में सबसे कम शोर होता है और सबसे क्लियर और सबसे रिफाइंड मेरे को जो डबिंग क्वालिटी मिलती है प्रिसिशन के साथ, वो मिलती है रात के टाइम पे। तो आपको फिगर आउट करना है वो कौन सा टाइम है जब आपके होम स्टूडियो में सबसे कम एम्बियंस नॉइज आती हो, सबसे कम शोर आता हो। जब भी आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपके अपने आसपास के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वो सारे आप बंद कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है वो रंबल की नॉइस क्रिएट करते हैं। और यहाँ तक कि आपके जो लैपटॉप है और आपके जो पीसीज है उनसे भी, जो उनकी फ़ैन की जो साउंड होती है वो भी आपकी रिकॉर्डिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। तो मेक श्योर कीजिए कि ये बहुत ही आप केयरफुली डबिंग करें जब भी आप करें, अपने एसीज, अपने फैंस, अपने लाइट्स की आप जो भी स्विचेस हैं उन्हें आप ऑफ करें रिकॉर्डिंग से पहले। जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने क्लोज एंडेड जो हेडफोन्स होते हैं वो यूज़ कीजिए, क्योंकि इन हेडफोन से लीकेज होना बहुत कम हो जाता है। ये काफ़ी हद तक प्रिवेंट करते हैं आपके साउंड लीकेज को। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप अपने हेडफोन्स पे, नॉर्मल हेडफोन्स पे, जो ओपन एंडेड हेडफोन्स होते हैं, आप उस पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब रिकॉर्ड आप कर रहे होते हैं साथ ही साथ जो हेडफोन्स होते हैं उसमें से बीट जो आप सुन रहे हैं वो साउंड भी लीक होती है और आपके जो आपकी वोकल डबिंग है उसके अंदर वो आती है, और जिसकी वजह से आपकी जो वोकल डबिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाती है। हम क्या करते हैं गाइस कि हम बेस्ट इक्विपमेंट्स ले लेते हैं, हम बेस्ट ऑडियो इंटरफेस लेते हैं, बेस्ट माइक लेते हैं, और उसके बाद भी कभी कभी हमको लगता है कि जो हमारी जो क्वालिटी है, जो डबिंग क्वालिटी है वो उतनी क्लियर नहीं है, उसमें उतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। और ये होता है चीप क्वालिटी के वायर्स और केबल्स को यूज़ करने से। यस गाइस, आपको इन्वेस्ट करना है हमेशा बेस्ट क्वालिटी की ऑडियो वायर्स पे। जो अपने स्टूडियो के गियर्स है जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो, वो सारे केबल्स, वो सारे वायर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, कुछ ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड कर रखे हैं। ये वो वायर्स हैं जो कि किसी भी तरह की लीकेज, किसी भी तरह की जो लो सप्लाई की वजह से जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लेटेंसी और बाकी सारी चीज़ों की, वो प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी रिफाइंड वोकल डबिंग क्वालिटी मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप गाइस, आपका डिस्टेंस आपके माइक से काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसा सॉन्ग गा रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वार्मथ आपको चाहिए, तो आप अपने माइक्रोफोन के नज़दीक से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे एरिना ग्रैंडे की जो वोकल्स अगर आप सुने, और जिस तरह की बिली आइलिश की अगर आप वोकल्स सुने, तो उसमें जो एक आपको वार्मथ फील होती है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो काफ़ी क्लोजली जाके रिकॉर्ड करते हैं अपने माइक्रोफोन के। बट यहाँ पर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का पॉप फिल्टर होना ज़रूरी है, जो कि आपके प्लोसिव वर्ड्स, जो कि आपके पॉ और हॉ से स्टार्ट होते हैं, ये सारे वर्ड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको, जब आप इन्हें बोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा विंड थ्रो ये लेते हैं, ये सारे ही वर्ड को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का पॉप फिल्टर होना ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक मेटल पॉप फिल्टर है, जिसकी वजह से मेरे प्लोसिव वर्ड्स में काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकता हूँ। और अगर आपके सॉन्ग में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने माइक से काफ़ी दूर होकर रिकॉर्ड कीजिए, जिससे कि आपकी वोकल्स काफ़ी ज़्यादा गुफी न लगे और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वोकल्स है। नॉर्मल थम ऑफ द रूल है कि आपको अपने माइक्रोफोन से जब आप कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कम से कम दिस डिस्टेंस हैज़ टू बी देयर, ये डिस्टेंस आपको मेंटेन करना ज़रूरी है, जिससे भी किसी भी तरह के प्लोसिव वर्ड्स और बाकी इस तरह के वर्ड्स आप इजीली एलिमिनेट कर सके। आपके जो वार्मथ है, आपके जो टोन में, जो आपकी वोकल टोन में जो वार्मथ है, वो हमेशा मेंटेन रहे, तो उसके लिए आपको ये प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप गाइस, जब भी हम किसी स्टूडियो में जाते हैं जो कि प्रोफेशनल स्टूडियो होता है, वहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट सेंसिटिविटी के माइक्रोफोन्स आपको देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये सारे माइक्रोफोन्स कंडेंसर माइक्रोफोन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप शायद जिस माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे हैं अपने होम स्टूडियो सेशंस में, वो शायद डिफरेंट ब्रांड का हो, उसकी सेंसिटिविटी डिफरेंट हो, तो आपको सबसे पहले जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ अपने माइक पे रिकॉर्ड करना है, उसको सुनना है, आपको अपने माइक चेक को प्रॉपरली, वहाँ पर आपको जो प्रोसेस है माइक चेक का, वो प्रॉपर आपको यूज़ करना है,
रिकॉर्डिंग सुननी है ताकि आपको पता चले कि कितनी सेंसिटिविटी इस माइक के साथ आउटपुट आपको मिल रही है, सो दैट आप प्रिवेंट कर सके किसी भी तरह के रंबल नॉइसेस, किसी भी तरह की जो आपके डिस्टॉर्शन होते हैं वोकल्स में, जो आपके वोकल्स क्लिप करते हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप माइक पे पहले टेस्ट रन करके देखें, एक ड्राई रन करके देखें, माइक की सेंसिटिविटी के साथ आप फेमिलियराइज हो और उसके बाद आप उस पर अपनी फाइनल डबिंग्स और रिकॉर्डिंग्स करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जब भी आप रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो आई एम श्योर कि अगर आप खुद अपने होम स्टूडियो में डबिंग कर रहे हैं तो -6 dB तक की, वो भी जीरो सेटिंग्स पे, आपको अपनी जो वोकल रिकॉर्डिंग है उसके लिए आपको जो अपने गेन लिमिटर्स हैं वो सेट करने हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करते हो या कम करते हो तो क्लिपिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और क्लिपिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। क्लिपिंग की वजह से आप अपनी जो आप डिज़ायर्ड अपनी जो आउटपुट लेना चाहते हैं डबिंग से वो आपको नहीं मिल पाते, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने जो ऑडियो इंटरफेस है उसकी जो गेन लिमिट्स है वो तकरीबन 40-55% के आसपास ही रखें। 55% से अगर आप ऊपर जाते हैं तो क्लिपिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ जाते हैं। हम जब भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रश आउट करते हैं ताकि हम कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में अपने ज़्यादा से ज़्यादा टेक दे सके, अपने ज़्यादा ज़्यादा गाने डब कर सके। बट गाइस, दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। यस गाइस, आपको कभी भी एक प्रोफेशनल स्टूडियो में जाने के बाद जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जब भी आप जल्दबाजी करोगे तो उस रश में, उस जल्दबाजी में आप अपनी ओवरऑल जो डबिंग क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो। आप जब भी किसी स्टूडियो में जाए, प्रोफेशनल स्टूडियो में जाए, तो अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी करके जाए, अपनी तरफ से रिहर्सल पूरी करके जाए, अपने सॉन्ग को आप पहले डब करें, अपने खुद के होम स्टूडियो में 10 बार उसे सुने, 50 बार उसे सुने, उसमें जो कमियाँ आपको लग रही है उन कमियों को फिक्स करें, जो आपको अच्छी चीज़ें लग रही है उसको और ज़्यादा पॉलिश करें, उसको और ज़्यादा रिफाइन करें, और उसके बाद जब आप अपने फाइनल होम स्टूडियो से निकल के आप एक प्रोफेशनल स्टूडियो में अपने सॉन्ग के फाइनल डबिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर रश बिल्कुल भी मत कीजिए। आप प्रॉपर टेक्स दीजिए अपने हर एक वर्स के, अपने हर एक जो आपकी लाइन है उसके प्रॉपर टेक दीजिए, जहाँ पर आपको कमी लगती है उसको इम्प्रोवाइज़ कीजिए, मल्टीपल टेक्स दीजिए, मल्टीपल लेयर्स दीजिए, डबल जो ट्रैक्स होते हैं हमारे DT ट्रैक्स जो होते हैं उसकी तैयारी कीजिए, हारमनीज, मेलोडीज, ये सारी चीज़ें डब कीजिए, रश आउट मत कीजिए। कुछ पैसे बचाने के लिए, कुछ अमाउंट बचाने के लिए आप, क्योंकि अर्ली बेसिस पे रेंट होता है इन स्टूडियोज़ का, कुछ पैसे बचाने के लिए आप अपने सॉन्ग के साथ फकअप कर सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए और रश आउट मत कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जब भी आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं किसी भी स्टूडियो में, अपने होम स्टूडियो में, तो आपको आपके सॉन्ग के लिरिक्स तसली से अच्छे से याद होने चाहिए, बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या आप देखते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है उसका ध्यान फ्लो पे नहीं होता है, उसका ध्यान डिलीवरी पे नहीं होता है, कॉन्फिडेंस मिसिंग होता है क्योंकि उसको लिरिक्स याद नहीं होते हैं और उसका सारा ध्यान होता है अपने मोबाइल स्क्रीन पे या फिर लिरिक्स पे, और वो सिर्फ अपने जो एनर्जी है, जो अपना कॉन्सेंट्रेशन है, वो सिर्फ उस लिरिक्स को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये टाइम पे आपको अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना, अपने पॉजेस पे, आपको कहाँ पर कितना एफर्ट्स डालना है, किस वर्ड के ऊपर कितना एम्फेसिस देना है, कहाँ पर आपको प्रॉपर पॉजेस लेने हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, डिलीवरी पे ध्यान होना चाहिए, ना कि लिरिक्स पे। लिरिक्स आपको हमेशा डबिंग से पहले प्रॉपरली बाय हार्ट याद होने चाहिए ताकि आप जो बाकी चीज़ें हैं, डिलीवरीज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, आपके पॉजेस हैं, एम्फेसिस हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आप प्रॉपरली ध्यान दे पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, वो है आपकी प्रोनाउंसिएशंस। जब भी आप किसी सॉन्ग को डब करने जाते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो आपकी खुद की लैंग्वेज में हो या फिर आप इंग्लिश या किसी और दूसरी लैंग्वेज में आप डब कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन होना प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो उसके मीनिंग काफ़ी हद तक चेंज हो सकते हैं, जो कि कल को आपके जो सॉन्ग की ओवरऑल जो आपके सॉन्ग का इंपैक्ट पड़ने वाला है लिसनर पे उसको काफ़ी हद तक हैम्पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, आप सॉन्ग को सही नोट पे गा रहे हैं, करेक्ट नोट पे गा रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस सॉन्ग को फीलिंग के साथ गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं। सॉन्ग्स हमेशा कनेक्ट करता है ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के साथ, और वो होता है फीलिंग्स की वजह से, और फीलिंग्स को फिक्स करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है आपके एक्सप्रेशंस। आप जब भी किसी सॉन्ग को गा रहे हैं तो फ्लैट बिल्कुल भी साउंड नहीं करना चाहिए, एक्सप्रेशंस वहाँ पर होने चाहिए, और आपके सॉन्ग के साथ जो एक्सप्रेशंस है वो फीलिंग्स को लेकर आते हैं, जिसकी वजह से वो सॉन्ग कनेक्ट करता है किसी ऑडियंस के साथ। स्टूडियो में बैठा कर रहा मैं चिल, छोड़ू ना मैं घर सीधा गेम करूँ किल, ये मैंने फ्लैट गाया है विदाउट एनी एक्सप्रेशंस, और अगर मैं इसको अब एक्सप्रेशंस के साथ गाता हूँ तो देखिए कैसा साउंड करने वाला है। स्टूडियो में बैठा कर रहा मैं चिल, छोड़ू ना मैं घर सीधा गेम करूँ किल, ये फ़र्क है। आप यहाँ पर एक्सप्रेशंस के साथ खेलते हैं, आप हर एक वर्ड के साथ खेलते हैं, आप उसको देखते हैं कि किस तरह से उसको और अच्छे से आप डब कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, आप बेटर कनेक्ट कर पाते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। ये सारी चीज़ें वो चीज़ है जो आप मिक्सिंग और मास्टरिंग में कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। अगर आपने ये सारी चीज़ें गलती से
डबिंग के टाइम पे फिक्स नहीं की तो बाद में आपको मिक्सिंग और लेटर स्टेज पे मास्टरिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से फेस करनी पड़ सकती है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बहुत बार ये फेस करना पड़ता है कि जब भी वो प्रोफेशनल स्टूडियो में जाते हैं तो वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश ये कीजिएगा, सिंपल टिप्स जो मैं भी करता हूँ, आप स्टूडियो में जाने से एक घंटे पहले, जब आपका टाइम है स्टूडियो में पहुँचने से पहले, उससे पहले ही आप उन्हें अपनी सारी फाइल्स भेज के रखें। आप उनको बोल के रखें कि आपके माइक्स और बाकी सारी चीज़ों को प्रॉपरली प्रेप करके रखें, प्रिपेयर करके रखें, सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे ही आप स्टूडियो में घुसे, आप अपने साउंड इंजीनियर के साथ या रिकॉर्डिंग इंजीनियर के साथ बात करें और सीधा आप डबिंग पे जाएं। फालतू चीज़ में अपना टाइम वेस्ट ना करें, चाहे वो आपका माइक प्रिपेयर करना हो, चाहे वो कंप्रेसर सेट करना हो, चाहे माइक के लेवल्स, आपकी हाइट और ये सारी चीज़ें मैनेज करनी हो। कोशिश कीजिए कि स्टूडियो में जाने से पहले अपने स्टूडियो गायक को पहले ही फ़ोन करके बोले कि आप इस टाइम तक पहुंचने वाले, हर एक चीज़ आपके लिए वो रेडी रखे। सो यस गाइस, देखो सिंपल टिप्स जो कि आपको प्रोफेशनल स्टूडियोज़ पे और आपके होम स्टूडियोज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है बेटर आउटपुट देने के लिए, जो कि आपके रिकॉर्डिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट साथ इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी इससे बेनिफिट हो सके। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप, देन लॉट्स ऑफ लव एंड पीस। Thank you.